Hello students, how are you? Everyone is fine. 12th maths RBC chapter number 8, example number 37. Bahut important example hai. Show that the semi vertical angle of a cone of maximum volume and given slant height is 10 inverse root. देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक शंकु दे रखा है यानी कोन जिसके आधार की त्रिज्या आर और जिसकी ऊंचाई एच ले लेते हैं ये आर और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट एल लेते हैं। यहां पर गिवन है देखो लिखा हुआ है कि गिवन स्लैंट हाइट यानी कि गिवन वर्ड यहां आ गया ना इसका मतलब ये एल क्या हो गया कांस्टेंट हो गया और इसका वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा तो वॉल्यूम भी होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर ये मैक्सिमम कब होगा जब इसके सेमी वर्टिकल एंगल मतलब इसका तो ये पूरा कोण होता है ना उसका ये आधा भाग सेमी वर्टिकल एंगल इसको अल्फा ले लो उसकी वैल्यू 10 इनवर्स रूट 2 ये मुझे प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस वॉल्यूम की बात करते हैं यहां आयतन इसका जो है ना आर और एच दो वेरिएबल्स में है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल है देखो इस क्वेश्चन में एल कांस्टेंट दे रखा है आर बदल सकता है और इसकी एच भी बदल सकती है हाइट बदल सकती है तो दोनों क्या हो गए इसमें वेरिएबल हो गए। अब इसको वन वेरिएबल में चेंज करना हमारा फर्स्ट टास्क होगा इसके लिए मैं यहां देखता हूं रिलेशन क्या बनता है ये 90 डिग्री है इसके सामने हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण ये अल्फा के सामने लंब हो जाएगा ये आर आ जाएगा तो इसका रिलेशन आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहां से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू रखना बेटर समझूंगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे को क्या मिला भी एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये एच इसमें देखो ये कॉन्स्टेंट है पाई कॉन्स्टेंट है एच ये वन वेरिएबल ही रहा इसलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देता हूं। अब मेरे को इसको मैक्सिमाइज वैल्यू तक लाना है तो उसके लिए यानी वो पॉइंट पता करना है जबकि इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है तो इसका डिफरेंशियल करेंगे वी डैश डैश या डीवी अपॉन डीएस लिखो बोली वी डैश लिखो एक ही बात है पाई अपॉन थ्री तो कॉन्स्टेंट है इसमें यू इंटू वी लगा लो तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एच का वन हो जाएगा प्लस स्क्वायर एच पड़ा है इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एल स्क्वायर का जीरो और इसका माइनस का टू एच थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको पाई अपॉन थ्री एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का टू एच स्क्वायर मीन्स पाई अपॉन थ्री एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर ये भी डैश नंबर टू। अब देखो इसमें फोर मैक्सिमा और मिनिमा वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा बी डैश को जीरो के इक्वल रखते थे तो पाई अपॉन थ्री एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो ये पाई अपॉन थ्री जीरो के नीचे ले दो जीरो हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस थ्री एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यहां पर अगर मैं एच स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या मिलेगा थ्री एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर अपॉन थ्री और एच इक्वल्स टू एल अपॉन टू ये हमारे पास एच की वैल्यू आ गई। अब यहां पर मुझे चेक करना है कि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम होगा नहीं होगा मिनिमम होगा क्या होगा उसके लिए मैं क्या करता हूं बी डैश को एक बार और डिफरेंशियल कर देता हूं उसको हटा देता हूं करो बी डैश ना तो निकालो बी डबल डैश ये पाई अपॉन थ्री तो फिर कांस्टेंट ही है एल स्क्वायर इसमें कांस्टेंट जीरो हो जाएगा यहां पर एक्स ऊपर एम वाला फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का सिक्स एच अब बी डबल डैश एट द पॉइंट जो एच की वैल्यू है ना वो यहां पुट करते हैं एल अपॉन रूट चेक करने के लिए
पाई अपॉन थ्री, ये माइनस का सिक्स और एच की वैल्यू आ गई एल अपॉन रूट थ्री। यहां देखो एल हमेशा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट यानी पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव हो नहीं सकता। और पाई अपॉन थ्री और रूट थ्री यहां सिक्स है, ये सिर्फ एक माइनस है। इस माइनस की वजह से भले एल की वैल्यू कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही होगी, जीरो हो नहीं सकती। तो इस माइनस की वजह से ये हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा। और जब वी डबल डैश इस पॉइंट पर लेस देन जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं, वी हैज मैक्सिमा एट एच इक्वल्स टू एल अपॉन रूट थ्री। अब ये तो डिसाइड हो गया है कि जो वॉल्यूम है ना इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम है, बट हमें तो प्रूव करना था ना वो अल्फा की वैल्यू है, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में बात करनी थी। अब यहां पर देखो एच इक्वल्स टू एल अपॉन रूट थ्री, ये रिलेशन है एच और एल का, हमें रिलेशन निकालना है अल्फा का। ऐसी कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करो रूट थ्री एच इक्वल्स टू एल स्क्वायर इन बोथ साइड, थ्री एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया एल स्क्वायर। अब हमारे यहां देखो टेन अल्फा क्या होता है, तो टेन अल्फा डायग्राम में देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, लंब है हमारे पास में आर और आधार है मेरे पास में एच, आर और एच की जगह में क्या लिख सकता हूं टेन अल्फा लिख सकता हूं। यहां बात करते हैं रिलेशन एच और एल में है, यहां पर पॉइंट नहीं बदलेगा सिर्फ रिलेशन बदलेगा, क्योंकि एच और एल में रिलेट है, मैं इसमें अल्फा जनरेट कर रहा हूं उसके अंदर है ना, तो पॉइंट वही रहेगा। एल स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं मैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये थ्री एच स्क्वायर, इस एच स्क्वायर को इधर ले आओ टू एच स्क्वायर हो जाएगा, और बिकॉज आर अपॉन एच है ना तो ये आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और ये टू, अब रूट ले लो दोनों तरफ रूट टू इक्वल टू क्या हो गया आर अपॉन एच। आर अपॉन एच की जगह ले सकता हूं मैं टेन अल्फा, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू रूट टू मींस अल्फा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स रूट। ये हमारे पास वो पॉइंट है जहां पर वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है, यानी कि सेमी वर्टिकल एंगल दैट इज अल्फा, उसकी वैल्यू टेन इनवर्स रूट टू होगी तभी इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। कंडीशन कब है, जब एल इसकी कांस्टेंट है, यानी कि स्लैंट हाइट है तेरे ऊंचे इसकी कांस्टेंट है, ध्यान रखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा केयरफुल करें स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक वीडियो अपडेट्स बहुत फास्ट पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, होप फॉर योर द बेस्ट रिजल्ट।